प्रिय मित्रों, आज मैं आपको एक रहस्यमय बात बताने जा रहा हूँ जिसका जिक्र कोई नहीं करता है या बहुत कम सुनने को मिलता है, क्योंकि सही तरीके से या तो किसी को पता नहीं है या बताना नहीं चाहता है, क्योंकि ये एक गुप्त विद्या है या यूं कहे कि एक ऐसा ब्रह्म शस्त्र जिसे चलाने पर खाली नहीं जाता है, इसलिए ही लोग इसे गुप्त रखते हैं। तो इस गुप्त ज्ञान का नाम है भैरवी साधना, जो अपने आप में पूर्ण है और क्या क्या दे सकती है जिसकी आप और मैं या कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। एक शब्दों में कहूँ तो ऐसी कोई चीज इस पूरे संसार में नहीं बनी जो ये साधना न कर सके। भैरवी साधना दो प्रकार से की जाती है। शमशान में जलती चिताओं के पास बदल बदल के करते हैं, दूसरा सुनसान जगह पे करते हैं। पर क्या आपको पता है एक और तरीका कि आप इसे घर पे भी कर सकते हैं? जी हाँ, अगर आपने किसी योग्य गुरु को पकड़ लिया जो आपको ये साधना करा दे तो समझ लो बदल गई आपकी किस्मत। और अगर आप ये वीडियो देखा रहे हैं तो आप भाग्यशाली हैं। मैं अभी इसकी दीक्षा नहीं देता हूँ ना दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे कोई योग्य शिष्य या शिष्या नहीं मिली। जब होगा तब मैं देख समझ के जरूर दूंगा। मेरे साथ इस साधना का या कई साधना में ऐसे अनुभव है कि मैं अब दीक्षा ही नहीं देता हूँ, ना तो लोग बात सुनते हैं ना उसका पालन करते हैं। परिणाम स्वरूप उस शक्ति के क्रोध का सामना मुझे करना पड़ता है, साथ ही पाप लगता है। भैरवी साधना में सफलता के लिए दो तरीके हैं। पहला तरीके अपने पति या पत्नी के साथ करे, दूसरा तरीके अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ करे। ये साधना नग्न होकर की जाती है, लेकिन दोनों ही विधि में बिना गुरु के असंभव है, क्योंकि ये अति उग्र साधना है। भैरवी हिंदुओं की एक देवी हैं जो दश महाविद्याओं में से एक मानी गई हैं। कुछ ग्रंथों में वह त्रिमूर्ति से भी श्रेष्ठ कही जाती हैं। वे माता पार्वती की अवतार और भगवान शिव के भैरवनाथ अवतार की शक्ति या पत्नी मानी गई हैं। शक्ति पुराण में काल को नियंत्रित करने वाली को ही भैरवी माना गया है, और माँ काली भी काल को नियंत्रित करती हैं, तो दोनों ही एक हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि काली तो माँ है तो लगे साधना करने। सर्वप्रथम ये जानिए कि किस देव या देवी की उत्पत्ति क्यों की गई है और उनका स्वभाव क्या है, और तंत्र में गुरु का महत्व क्यों है। तंत्र एक आग है, इसे सिर्फ देखने के लिए ना खेले, फिर भी अपने आप को ज्यादा समझदार समझने वाले कर सकते हैं। इसके लिए वो स्वयं अपनी दुर्गति के जिम्मेदार होंगे। इस साधना को सिद्ध करने के बाद माँ मनचाहा वरदान देती हैं, और ऐसा साधक ब्रह्मांड का ज्ञाता और त्रिकालदर्शी हो जाता है। ये साधना घर पे कैसे की जाए और बिना पार्टनर के कैसे की जाए, इसका ज्ञान मैं सिर्फ अपने साधक को दूंगा दीक्षा के रूप में, और मैं इस साधना का कोई पैसे नहीं लेता हूँ। इसी कारण से परीक्षा भी कठिन लेता हूँ। चूंकि भैरवी साधना नग्न साधना है, तो इस साधना में ये भी सिद्ध हो जाता है कि स्त्री या पुरुष केवल वासना के लिए नहीं बने हैं, बल्कि सत्य का एक उद्गम स्थान है। भैरवी साधना दस महाविद्या में माता भैरवी और भैरव भगवान शिव और पार्वती के रूप होते हैं, अर्थात भगवान शिव के भैरव और पार्वती के भैरवी रूप की साधना ही भैरवी साधना कहलाती है। भैरवी साधना में नग्न यानी निर्वस्त्र होकर शरीर में छुपी उस वासना को बाहर निकाला जाता है। भैरवी साधना के पहले चरण में स्त्री पुरुष जो भी साधक हैं, उनको एकांत और सुगंधित वातावरण में निर्वस्त्र होकर आमने सामने कम से कम 3 फुट की दूरी पर सुखासन या पद्मासन लगाकर बैठना होगा, और एक दूसरे की ओर आंखों में देखते हुए मंत्र जाप करना होगा। इस प्रथम चरण की साधना के दौरान साधक के अंदर धीरे धीरे निरंतर काम भाव ऊर्ध्वगामी होकर दिव्य ऊर्जा के रूप में सहस्त्र दल का भेदन करने लगता है। भैरवी साधना के दूसरे चरण में स्त्री पुरुष जो साधक हैं, एक दूसरे के करीब आकर अंग प्रत्यंगों को स्पर्श करते हुए उत्तेजित काम भावना को स्थायी बनाने का प्रयास करते हैं। साधना के दौरान बीच बीच में मंत्रों का उच्चारण करते रहने से कामोत्तेजना की बाहरी क्रियाओं को कम करने का काम भी करना होता है, परंतु काम उत्तेजना के दौरान स्खलन होने को रोकते हुए आत्म संयम बनाए रखना भी जरूरी है।
भैरवी साधना के अंतिम चरण में साधक स्त्री या पुरुष परस्पर संभोग की क्रिया करते रहते हैं, परंतु समान भाव, समान श्रद्धा और उत्साह तथा संयम से शारीरिक भूख के विरुद्ध साधना भी करते रहते हैं। साधना के दौरान जब संभोग क्रिया कर रहे होते हैं तो आप संयम जरूर रखें या रखते हुए प्रयास करें कि दोनों का स्खलन एक साथ हो। यदि एक साथ नहीं हो रहा है तो लगभग एक साथ संपन्न हो, ऐसा प्रयास जरूर करें। इस साधना को गुरु के मार्गदर्शन में नवरात्रि में करें, नहीं तो ये साधना शुक्ल पक्ष के सोमवार या शुक्रवार से रात्रि 9 बजे के बाद से भी प्रारंभ की जा सकती है। साधना के समय लाल आसन पे पूर्व की ओर मुख करके बैठे। इस साधना में मंत्र विनियोग बहुत जरूरी है। सिद्ध हो जाने के बाद साधक त्रिकालदर्शी की तरह ब्रह्मांड का ज्ञाता बन जाता है और ब्रह्मांड में विचरने वाले सभी प्रकार के मंत्र उसे अपने आप सुनाई देने लगते हैं। दिव्य प्रकाश दिखाई देने लगता है और साधक आजीवन कामवासना से मुक्त हो जाता है। मन स्थिर होकर शांत हो जाता है तथा चेहरे पर एक अलौकिक तेज दिखाई देने लगता है। भैरवी साधना सिद्ध हो जाने पर साधक को ब्रह्मांड में गूंज रहे दिव्य मंत्र सुनाई देते हैं। दिव्य प्रकाश दिखने लग जाता है तथा साधक के मन में दीर्घ अवधि तक काम वासना जागृत होने का नाम नहीं लेती है। साथ ही उसका मन शांत व स्थिर हो चुका होता है तथा उसके चेहरे पर एक अलौकिक आभा झलकती है और उसके तेज को आप न सहन कर पाएंगे, न देख पाएंगे।